हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रिंस रवि के चैनल में, रवि द एक्सप्लोरर में। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप एकदम मस्त है, जकास है, बिंदास और सुपर। और दोस्तों, आज हम पंकज भाई और मैं दोनों साथ में ही है। आप ये उड़िया देख सकते हैं कि आजकल कितना बिजी चल रहा है शेड्यूल। और चलते हैं, मैंने कहा आज पंकज भाई के साथ थोड़ा टाइम मिल गया, मैंने कहा घूम फिर लेते हैं आज थोड़ा सा। कुछ दिन हो गए थे ब्लॉग भी नहीं बनाया था, बाकी देखते हैं दोस्तों क्या स्पेशल रहेगा आज। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आज हम मनाली से कुल्लू की ओर जा रहे हैं। टूरिस्ट का सीजन अच्छा लगा हुआ है, देख सकते हैं आप टेम्पो ट्रैवलर भी काफी जा रहे हैं यहाँ से। और दोस्तों, कुल्लू में मौसम बढ़िया है एकदम, शायद बर्फबारी हो जाए, उम्मीद करते हैं जल्दी से बर्फ हमें देखने को मिलेगी। और दोस्तों, हम आज एक खास मेहमान के साथ हैं, दिखना चाहेंगे। हेलो गाइस, ये हमारे पंकज भाई है और इनके साथ हम हैं आज। और ये देखिए, बढ़िया सा मौसम है, सुहाना सफर मौसम। आगे मैं गाना ही भूल जाता हूँ यार, एक तो ये पुनका अपना कौन सा गाना था पुराना पंकज भाई, वो सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, हाँ कुछ ऐसा है, मैं गाने बड़ी जल्दी भूल जाता हूँ ना। और यहाँ पर तो दोस्तों, अभी हम मनाली के आज और जाने का कुछ बन रहा था प्रोग्राम, बट जा नहीं पाए। पर हाँ, रिसेंटली अभी न्यूज आई कि मनाली से ऊपर सोलांग वैली अच्छा अटल टनल शिशु के आसपास में बर्फ, जो फ्रेश स्नोफॉल हुई है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जल्दी आपको वहां पर भी बर्फ देखने को मिलेगी। बाकी हमारा ब्लॉग कुछ ऐसा ही, आज कुछ खास तो नहीं रहेगा, पर चलिए एक बेकार सा ब्लॉग तो बना ही सकते हैं। और ये दोस्तों कुल्लू वैली है, आप देख सकते हैं कुल्लू, जो ये कुल्लू घाटी है, दोनों और माउंटेन है यहाँ पे, और बीच में ये सड़क, दूसरी साइड दोस्तों आपको ये रिवर मिलेगी ब्यास नदी, और आगे दोस्तों आपको पार्वती रिवर भी मिलेगी। और ये प्लेस भुंतर है, वहाँ पर ही दोनों मर्ज हो जाती है, वो पवित्र स्थान है, संगम स्थान जो है। और दोस्तों, और था पंकज भाई, नौवीं ताजी दवा है, बढ़िया भाई जी, बढ़िया। अच्छा, बड़ी लागे ना, मजा है दोस्तों। देखिए पंकज भाई बोरे बोला, ठंड आजकल बहुत ज्यादा हो गया बोला, शेड लाके कौन दे बोला। और ये सामने बिजली महादेव पहाड़ी, कौन सा पहाड़ी आगे पीछे है, ओहो पीछे दोस्तों एक बिजली महादेव पहाड़ी भी है, महादेव जी के दर्शन के लिए, जहाँ पर श्रावण महीने क्यों ले रहा भाई, इंदिरा सावन का महीना, सावन का महीना दोस्तों, उस टाइम जबरदस्त क्राउड होता है, काफी पब्लिक होती है और बिजली महादेव की ओर जाती है। ये देखिए दोस्तों, दिल्ली 492 कसोल, 32 किलोमीटर है यहाँ से। हम तो अभी कसोल जाने वाले नहीं है, बट जल्दी हमारा ब्लॉग, मैं और पंकज भाई जल्दी आपको कसोल, मरीगन और क्या क्या, बशैनी, बहुत ही अच्छी अच्छी प्लेसेस है दोस्तों वहाँ पे, म्यूजिक पार्टी, बॉनफायर, कैंपिंग, ट्रैकिंग, बहुत सारी चीजें दोस्तों वहाँ पे, एंजॉय के लिए, घूमने फिरने के लिए वहाँ भी चल पड़ेंगे। फिलहाल आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक ब्रिज, जिसका आपको ये डिजाइन कुछ ज्यादा ही अलग, डिफरेंट लग सकता है, अच्छा भी है। ये देखिए दोस्तों सामने एकदम मस्त वाला, अब हम यहां से जाएंगे। ए वाह, किधर को जाता रे सोलन, ये देखिए दोस्तों क्या बढ़िया वाली फीलिंग है। और सामने दोस्तों ये देखिए यहाँ पे होटल, अच्छा होटल है यहाँ पे। यहाँ से दोस्तों एक रूट बताते हैं आपको यहाँ से, कि मणिगंज कसोल को किस ओर से जाना है, और एक रूट यहाँ से डाइवर्ट होता है दोस्तों, जो हमारे राइट हैंड है वहां से तो भुंतर जाएगा, बट ये जो जहां से ट्रक आ रहा है सामने, जो हमारा लेफ्ट हैंड है, यहां से दोस्तों आपका मणिगंज कसोल की ओर जाते हैं। बहुत ही अच्छी खूबसूरत प्लेस है, बट हम यहां से जाएंगे अभी। ये हम यहां से निकल चुके हैं, ये आपका सीधा आ गया है यहां से भुंतर की ओर जाते हुए। ये हमारे स्पेशल ड्राइवर है पंकज भाई, जबरदस्त ड्राइवर, म्यूजिशियन क्या कहें, इनकी तारीफ जितनी करें उतनी कम है, क्योंकि ये बंदे खास हैं, देख सकते हैं आप इनको। और तो पंकज भाई, नवी ताजी तब है, बस लागी रे मजा तब है, क्या बोलता है टूरिस्ट, टूरिस्ट बढ़िया है, बाकी घूमने फिरने का आज बढ़िया मौसम लग रहा है मेरे को, ठंडा ठंडा जैसे। यारा। वो यारा गाड़ी रुक रहा है यारा, भाई कैंडा हुआ। दोस्तों एक चीज मैं और दिखा देता हूँ आपको, लास्ट टाइम जो रिसेंटली जब फ्लड आया था ना, मतलब के कुल्लू भुंतर में, आपने काफी सुना होगा, यही रोड है दोस्तों यहाँ से आगे नीचे, एक्चुअल में ये सारी देख सकते हैं आप नीचे, सारा मतलब काफी ज्यादा डैमेज हुआ था उस टाइम ना,
ये रोड की कंडीशन आपको बता ही देगी कि किस तरह से हुआ था। और ये देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे, तो अब क्या बताएं दोस्तों, वो तो एक बड़ा ही खौफनाक मंजर था। मतलब काफी ये सारा दोस्तों उस टाइम फ्लड के टाइम ही तहस नहस हो गया। और ये अब लग रहे झटके यहाँ पे, पंकज भाई झटके लग रहे इस यारा कैंडा हुआ, गिड़ी जिगड़ी जिगड़ी चला गई गाड़ी गिरती। दोस्तों इस रोड में हमारे गाड़ी जो है बातचीत करने को तैयार है, ये बोल रही भाई तुम्हारा ये रोड जो है ना यार, इसने तो बोल मेरी हालत खराब कर दी। सामने होटल था दोस्तों यहाँ पे, इसी अच्छा रॉयल मेंशन होटल है इसी के साथ दोस्तों, एक और होटल हुआ करता था मतलब ना, चलते यहाँ पर भी हम लोग हमारा जो सेल रहता था मतलब ना क्लाइंट्स आते थे काफी यहाँ पे, जो हमारी बुकिंग रहती थी वो तो पूरी तरह से टोटली उसका नाम था होटल रॉयल एप्पल एप्पल रॉयल कुछ ऐसा करके था। मैं भी दोस्तों देख सकते हैं आप सामने पूरी तरह से वो तो टूट गया है, तबाह हो चुका है। और ये देखिए दोस्तों सामने आप देख सकते हैं घर किस तरह से टूटे हुए, यहाँ पे कितना इधर तक पानी आ गया था, सामने आप देख सकते हैं मतलब क्या। ये देखिए बाकी दोस्तों अब तो बिल्कुल मस्त है, बढ़िया है, अभी रोड भी बन चुका है, अच्छे से चल रहा है यहाँ पे। और 2024 की नई शुरुआत हो चुकी है बढ़िया से, मतलब कि मौसम अच्छा है और गाड़ियाँ अच्छे से आ रही है जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों नीचे हमारा स्कूल हुआ करता था, और ये दोस्तों आपका मणिगंज ब्रिज है, मणिगंज सोल के नीचे जाता है। हालांकि हम मणिगंज सोल की ओर से ही जा रहे हैं भुंतर की ओर। ऊपर देखिए दोस्तों कितनी सारी चिड़ियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर। और ये सामने का व्यू यहाँ से दोस्तों मस्त वाला आप देख सकते हैं, और नीचे भी मतलब कि ये काफ़ी टाइम बाद दोस्तों आज यहाँ पर आना हुआ। और पंकज भाई बोलते कि चलो आज यहीं से चलते हैं, बोला आ जाओ, मैंने कहा चलो फिर आप बोलते तो चल पड़ते, उसमें क्या है। भुंतर में शनिदेव मंदिर और साथ में आपकी सब्जी मंडी यहाँ पे। और तवे पंकज भाई नवी ताजी तवे छठा तवे को एक और गाना था कोई बड़ी से है गाना तो गाई सकते उस मतलब के तुरा गाने बंद की कॉपीराइट लाना सा। वाह वाह क्या बात है क्या बात है, ये सर आपका बिल्कुल लोकल गाना गा रहे पंकज भाई हमारे। तो दोस्तों ऑडियंस से ये है कि मतलब गाना सुनिए पंकज भाई का बढ़िया करके, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और पंकज भाई के गाने में कुछ तो बात है कि बंदा बोर हो जाएगा। अच्छा वाला कमेंट करना दोस्तों आपने पंकज भाई के गाने को, तारीफ करनी आपने बिल्कुल बढ़िया वाली। और दोस्तों आप देख सकते हैं यार टोपी तो सर ठीक ना है, देसी टोपी होती तो मजा आना थी क्यों। बाकी क्या बोले यार, बहुत दिन से ब्लॉग व्लॉग नहीं बन रहे, सोच रहा हूँ मैं कहीं चलते हैं ब्लॉग व्लॉग बनाने के लिए। भाई साहब के गाने सुनो आप, ये देखो बंदे जा रहे हैं, वो वीआईपी आदमी है ना भाई बंदे, अब क्या करिए। बढ़िया बढ़िया भाई। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा ब्लॉग, आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। आज कुछ खास था नहीं घूमने के लिए, मैं कहा चलो बिंगो हल्का फुल्का ब्लॉग बनाते हैं। ये देखिए मामा साहब को बिंगो खिला रहे हैं आज, और चलिए मामा साहब क्या है बिंगो वांगो ना। तो दोस्तों फोन मनना थी क्यों जी, ठीक है बिंगो टेढ़े मेढ़े की बोला थी बोल गया। चलो ठीक है गाइस, जल्दी मिलते हैं आप सबसे।
थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लेते हैं बिंगो का मजा, तब तक आप देखिए हमारे यूट्यूब ब्लॉग को, आप ब्लॉग का मजा लीजिए। ओह एक सेकंड दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप सबके मोटिवेशन और प्यार की जरूरत है। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।